हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप पांगली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका जेसन वेब टोकन एक्सपायर हो जाता है तो आपको यूज़र को लॉग आउट कैसे करना है और वापस उसे लॉग इन पेज पे कैसे भेजना है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुँच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों ने कई बार आजकल वेबसाइट पर देखा होगा, बैंक की वेबसाइट पर, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, अगर आप वहाँ पर जाए किसी पेज पर और आप लॉगिन आप कर चुके हैं और वो पेज जो आप कम से कम आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए ओपन करके रख दे और कहीं पर भी क्लिक ना करे, किसी भी आइकॉन पे कहीं पर भी कोई क्लिक ना करे, और जैसे आप आधे घंटे या एक घंटे बाद आएंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप लॉग आउट हो जाते हैं और लॉगिन पेज पर पहुँच जाते हैं। तो ये सिस्टम जो कैसे बनाना है और इसमें होता क्या है कि आपका टोकन जो एक्सपायर कर जाता है तो इसीलिए जो आपको लॉग आउट कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने भी जेसन वेब टोकन यूज़ किया और उसमें भी जो टोकन एक्सपायर हो रहा है, लेकिन एक्सपायर होने पर क्या करना चाहिए इसका कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं दिखाया, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पर जाएंगे फ्रंट एंड वाले कोड में, रिएक्ट जेएस में जाना है, यहाँ पर आना है, सोर्स में आना है और यहाँ पर हम लोग यूटिल्स में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा टोकन एक्सपायर। यह हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम हैंडल, नहीं हैंडल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टोकन एक्सपायर ये मैंने लिखा है, डॉट लगा के जेएस लिखना है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आरएफसी रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपोनेंट जैसा मैं कुछ भी नहीं बनाने वाला हूँ, ये सब कुछ हम लोग यहाँ से करेंगे, कट नीचे की तरफ आएंगे, पेस्ट कर देंगे, इसे करना है कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, लेकिन इससे पहले, इंपोर्ट करने से पहले मैंने अपने जो इस एप्लीकेशन में लॉग आउट का फीचर पहले से ही बना के रखा, तो आपको उस कोड को देखना है और उसी कोड से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में और वहाँ पर मैंने लेआउट में नेविगेशन बार में जो है लॉग आउट बनाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉग आउट यूज़र में जो है लॉग आउट यूजर करके रिडक्स के अंदर ऑथ एक्शंस में मेरा एक फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया था और इसके अंदर जो मैंने हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट पास किया था रिडायरेक्ट करने के लिए यूजर को लॉगिन पेज पर, तो इसी फंक्शन के अंदर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग को मिलेगा इसके अंदर, रिडक्स वाला फोल्डर है, आपको इसके अंदर जाना है, एक्शन में जाना है, ऑथ एक्शन डॉट जेएस जाना, यहाँ पर मिलेगा लॉग आउट यूजर, ये रहा, इसके अंदर आना। इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट लिखा गया है लॉग आउट करने का, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यूजर का डेटा जो है क्लियर कर दो रिडक्स के अंदर से, स्टेट जो है उसके अंदर से करना है, फिर लोकल स्टोरेज जो है उसमें से सारा डेटा साफ कर दो, उसके बाद जो है ऑथ टोकन जो है एचटीटीपी हेडर में सेट किया गया है उसे भी साफ कर दो, उसके बाद रीडायरेक्ट कर दो। तो बस यही करना है हम लोग को भी, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे टोकन एक्सपायर डॉट जेएस में, इसके अंदर आना, यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना होगा, ये मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया स्टोर को, और ये जो स्टोर है ये आपका जो रिडक्स का स्टोर है उसे आपको इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, दो बार डॉट फॉरवर्ड स्लैश, रिडक्स वाले फोल्डर में जाना है, फॉरवर्ड स्लैश स्टोर में जाना है। यहाँ पर हम लोग जो है ऑथ एक्शन से जो है कुछ चीज़ें जो आपका इंपोर्ट है वो भी करेंगे। टोकन एक्सपायर में जो आपको वापस आना है, यहाँ पर आपको लिखना है इम्पोर्ट, पैरेंथिस आपको लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथिस नहीं, डॉट इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, दो बार डॉट पीछे की तरफ, रिडक्स में जाना है, फॉरवर्ड स्लैश एक्शन में जाना है, फॉरवर्ड स्लैश ऑथ एक्शन में जाना है, और यहाँ पर आके आपको क्या करना है, क्लियर यूजर वाला जो आपका ये एक्शन क्रिएटर है इसमें आना है, क्लियर यूजर वाला जो एक्शन क्रिएटर है नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, ये देखिए ऑथ लॉग आउट ये लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्लियर यूजर को जो है इस तरीके से ले लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे टोकन एक्सपायर में आना होगा और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ पे लिखा है लॉग आउट करते वक्त वही आपको लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट उठा के कॉपी करके टोकन एक्सपायर में जाके लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग जो डिस्पैच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको जो करना होगा वो होगा ये स्टोर डॉट डिस्पैच, ये जो डिस्पैच था ये आपका जो थंक था उसका वाला था वो नहीं करेंगे, इस तरीके से जो आप स्टोर जो होता है आपका रिडक्स का उसे आप कॉल करके उसके ऊपर डायरेक्ट डिस्पैच को कॉल करके अपना जो एक्शन है वो आप परफॉर्म कर सकते, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये मैंने यूजर को लॉग आउट किया, रिडक्स को साफ किया, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दिया, ऑथ टोकन को मैंने रीसेट कर दिया, फॉल्स पर सेट कर दिया, लेकिन ये ऑथ टोकन को आपको इंपोर्ट नहीं किया तो इसे इंपोर्ट करिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट सेट ऑथ टोकन फ्रॉम ये
.forward/ यहाँ पर जाना है, auth टोकन इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है आप हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका विथ राउटर से आता है और विथ राउटर का यूज़ जो आप किसी कंपोनेंट में कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंट नहीं बनाया, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया। तो इस तरीके से जो रिडायरेक्ट करने का काम है वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो विंडो वाला ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विंडो, डॉट लगा के आपको लिखना होगा लोकेशन, उसके डॉट लगा के आपको लिखना होगा href, और इसके आगे जो है आपको क्या करना होगा, जो भी एड्रेस बार में आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे /forward लगा दिया। तो टोकन एक्सपायर होने पे आप यूज़र को कहाँ भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे सिर्फ /forward तो इसका मतलब होगा होम पेज पर भेजो, अगर आप लिखेंगे /login तो इसका मतलब होगा लॉगिन पेज पर भेजो। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं, इसको हटाएंगे, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पर जो है ये करेंगे, और हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा कि लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन पेज पर हम लोग भेजेंगे, रीडायरेक्ट टू, मैंने यहाँ पे कहा लॉगिन पेज। यहाँ पर अगर आप चाहें तो टोकन एक्सपायर होने पे मैसेज भी दिखा सकते हैं, सवाल जो था स्वीट अलर्ट उसका यूज करके कि टोकन एक्सपायर हो गया, पर जो है मैं वो मैसेज नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इस फंक्शन का आपको यूज़ करना होगा। तो आप सबसे पहला सवाल यही उठता है, ये फंक्शन हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो ये फंक्शन आपको यूज़ करना है जहाँ जहाँ आपने एजैक्स कॉल किया है और वहाँ पर जो आपका कैच वाला फंक्शन है उसके अंदर करना है। तो कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समय लेते हैं, ये जो मेरे पास माई टीम है इसके अंदर चलते हैं, माई टीम कंटेनर में जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एजैक्स का कॉल किया था और इसकी मदद से हम लोगों ने ये पता लगाया था किसी यूज़र ने कौन कौन से जो टीम है वो क्रिएट किया है, और यहाँ पर जो कैच ब्लॉक है इसके अंदर आपको आना होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि इम्पोर्ट करेंगे, आपको वही सेम काम आपको करना होगा। ये मैंने क्या इम्पोर्ट टोकन एक्सपायर कहाँ से करना होगा आपको मालूम है, ये लिखिए फ्रॉम ये .forward/ दो बार डॉट पीछे की तरफ, दो बार डॉट पीछे की तरफ, utils /forward/ टोकन एक्सपायर, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको इस फंक्शन को यहां से करना है कॉपी, जहां पे कैच वाला है यहां पर आइए, यहां पे आपको पेस्ट करना होगा, इसे कॉल करना होगा बस, और इससे आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन टोकन आप क्या ऐसे ही एक्सपायर कर देंगे? ऐसा तो आपको एक्सपायर नहीं करना है, हो सकता है कोई वैलिडेशन का एरर आया हो तो क्या आप उसका टोकन एक्सपायर कर देंगे? नहीं, जब टोकन एरर आएगा तभी आपको टोकन एक्सपायर करना होगा। अगर मैं आपको अपना बैकएंड वाला कोड दिखाऊं और यहां पर अगर मैं आपको मिडिलवेयर में ले जाऊं, वेरीफाई टोकन में ले जाऊं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो रिटर्न वाला डेटा बनाया उसमें मैंने एरर के अंदर टोकन एरर यहाँ पे बनाया। तो अगर टोकन एरर होगा तो इसका मतलब क्या, टोकन से जुड़ी प्रॉब्लम आई है, तो उस केस में हम लोग यूजर को लॉग आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं वापस फ्रंट एंड वाले कोड में, और यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट टोकन अंडरस्कोर एरर अगर है, तो उस केस में जो है इसका मतलब क्या है, टोकन एक्सपायर कर चुका है और यूजर को जो है रीडायरेक्ट कर दो। ये मैंने कर दिया। अब यही कोड जो आपको हर जगह जाके कॉपी पेस्ट करना होगा जहां जहां पर आपने ये वाला काम किया है, एक्सियोस के साथ एजैक्स कॉल का कॉल किया है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, मैंने यहां पे लिखा हैंडल टोकन एक्सपायर, ये मैंने लिख दिया, सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद आपको बैकएंड वाले कोड में जाना, टेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो बैकएंड वाले कोड में चलते हैं। यहाँ पर जो है मैंने क्या बनाया था कि यहाँ पर मैंने जो मेरा राउट्स में था यूजर्स, उसमें आपको जाना हो यूजर में, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया था, CTRL F दबाइएगा, लॉगिन लिखिएगा, और लॉगिन करते वक्त मैंने जेसन वेब टोकन जो वो बनाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने एक्सपायरेशन टाइम दिया था जो कि सेकेंड्स में लिखा जाता है, और मैंने एक घंटे का टाइम दिया था, इसे कम करके हम लोग 60 सेकेंड करते हैं, यानी कि एक मिनट का टाइम देते हैं। सेव कर लीजिएगा, वेब सर्वर को एक बार स्टॉप कर लीजिएगा। जब भी आप इस तरह के कोई मेजर चेंज किया करें तो सबसे बेस्ट होगा कि वेब सर्वर को स्टॉप करें और दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये मैंने स्टार्ट किया, बैकएंड वाला सर्वर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जरा ये बैकएंड वाला सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, एंटर दबाया, स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ये जो मेरा लॉगिन वाला लॉगिन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा ये मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या 1 2 3 4 5 6, हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे करेंगे, और यहाँ पे माई टीम पे आपको आना है क्योंकि इस वाले कंपोनेंट पे हम लोगों ने जो टोकन एरर का काम किया है। अब इसमें हम लोग एक मिनट बाद जो है पेज को रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से जो है एजैक्स के थ्रू जो है रिक्वेस्ट जाएगा, और वहां से जैसे ही टोकन एरर आएगा तो ये वापस जो लॉगिन पेज पर पहुंच जाएगा।
अगर आप लोगों ने मेरा ऐप बनाया होगा इससे पहले, तो पिछले की वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, कई बार ऐसा हो रहा होगा जब आप जो है कोई चीज़ बना रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे, तो कोई भी एजैक्स रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो वो टोकन एरर की वजह से था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप लॉग आउट होकर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे। तो पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए अभी भी जो है एक मिनट का टाइम पास नहीं हुआ है, यानी कि टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है। फिर से हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आपका जो टोकन एक्सपायर कर गया और आप जो यहाँ पे लॉग इन पेज पर आ गए लॉग आउट होके। तो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे कोड लगाया है, ये कॉपी पेस्ट करके आपको अपने इस पूरे एप्लीकेशन में हर जगह एजैक्स कॉल के अंदर लगाना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला जो कोड इसे कॉपी करेंगे और चेक करेंगे कि इस कंपोनेंट में कहीं और पे एजैक्स का जो है कोड यूज हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग जो दूसरे कंपोनेंट देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है चैट बॉक्स, यहाँ पे चलेंगे चैट बॉक्स कंटेनर में, क्या यहाँ पे एजैक्स का यूज हुआ है? तो यहाँ पर कई जगह पर हुआ। तो आप लोग देखते हैं कहाँ पे जाना है, ये रहा कैच, इसके अंदर जाइए पेस्ट कर दीजिए। नीचे चलिए कहीं और पे यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं हैंडल सबमिट में जो है यहाँ पर यूज हुआ है, ये है कैच वाला, ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। नीचे की तरफ चलते हैं, देखते कहीं और पे यूज हुआ है क्या, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए एक्सियोस, ये पोस्ट वाला रिक्वेस्ट है, यहाँ पे यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, कैच ब्लॉक है, यहाँ पे पेस्ट करिए, यहाँ पे यूज हुआ है कैच में पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर यूज हुआ है कैच में पेस्ट करिए, जहां जहां है एजैक्स रिक्वेस्ट पेस्ट करिए। CTRL करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिएगा, कोड का जो फॉर्मेटिंग है वो सही हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा काम, तो ये जो है मैंने कर लिया। ऊपर की तरफ चलते हैं, इम्पोर्ट करने का जो काम है वो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो टोकन एक्सपायर था वो आपको लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये दो बार पीछे की तरफ, दो बार पीछे की तरफ, यूटिल्स इसमें जाना है, फॉरवर्ड स्लैश टोकन एक्सपायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा हो गया क्या, चैट बॉक्स व्यू में हम लोगों ने कहीं पर लगाया, यहाँ पर नहीं है, चैट बॉक्स लिस्ट में नहीं है, ये नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सब बंद कर देते हैं। और यही जो है आपका एक बेनिफिट भी है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हम लोगों ने कंटेनर और व्यू वाला कॉन्सेप्ट रखा है, तो आप एकदम से आप देख सकते हैं कि आपका जो एजैक्स रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर होगा, तो वहां पर आके आप तुरंत चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं एक ही में खिचड़ी पका देता पूरी, तो फिर आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती। नैव बार कंटेनर यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा, इसमें देखते क्या मैंने कहीं एजैक्स रिक्वेस्ट लगाया, यहाँ पर कहीं नहीं लगाया, तो हम लोग इसको जो है बंद कर देंगे। ऑथ एक्शन में देखिए कि आपने एजैक्स रिक्वेस्ट लगाया, तो यहाँ पे हम लोगों ने कई जगह लगाया, तो ऑथ एक्शन में जो आपने एजैक्स रिक्वेस्ट लगाया उसके अंदर कैच वाले के अंदर ये कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये देखिए मेरे पास कैच वाला यहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है इसके ऊपर करेंगे, ये मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे क्या और कहीं पर कुछ है क्या, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए रजिस्टर वाला है, यहाँ पर है, पोस्ट वाला है, कैच वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे की तरफ चलते देखते और कहीं पर है, और ये वेरिएबल और ये वेरिएबल जरूर मैच कर लीजिएगा, इनमें चेंज ना हो वरना जो एरर जनरेट होगा। यहाँ कहीं पर आपने एक्सियोस का लगाया, नहीं लगाया। अब आपको क्या करना होगा, टोकन एक्सपायर वाला जो है इम्पोर्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट टोकन एक्सपायर फ्रॉम ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये पीछे की तरफ, ये यूटिल्स फॉरवर्ड स्लैश टोकन एक्सपायर। अब जो दूसरे फाइल देखते हैं, टीम एक्शन में देखते हैं क्या यहाँ पर कहीं एजैक्स लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वही कैच वाले में आपको जाना है, पेस्ट कर देना है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो है नीचे की तरफ चलते और कहीं पर लगा है, नहीं लगा है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर भी इम्पोर्ट करना होगा, तो मैंने लिखा इम्पोर्ट ये और मैंने कहा टोकन एक्सपायर फ्रॉम ये दो बार डॉट फॉरवर्ड स्लैश पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, ये फॉरवर्ड स्लैश टोकन एक्सपायर, ये मैंने कर दिया। तो ये हो गया, टाइप्स में जो है कहीं पर नहीं होगा, तो फिर हम और जो फाइल हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको हम लोग क्लोज कर लेंगे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस वीडियो में मुझसे कहीं पर भी छूट जाए अगर, तो आप खुद से भी जो है ढूंढ के कर लीजिएगा, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वैसे मैं इस वीडियो में हर जगह पर कर देने वाला हूँ। तो ये हो गया, माई टीम कंटेनर में हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर क्लोज कर देंगे टोकन एक्सपायर, ये हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं, चैट बॉक्स हो गया, कॉमन कंपोनेंट में कहीं पे हम लोगों ने यूज़ किया है, नहीं किया है। लेआउट में नैव बार कंटेनर हो गया, टीम लिस्ट में देखते हैं, टीम लिस्ट कंटेनर कहीं पे लगा है, वो वाला आपका जो एजैक्स रिक्वेस्ट है देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे करिए पेस्ट, यहाँ पे ऊपर की तरफ चलिए इम्पोर्ट करिए, मैंने लिखा इम्पोर्ट ये टोकन एक्सपायर फ्रॉम ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश दो बार डॉट पीछे की तरफ, दो बार डॉट पीछे की तरफ, दो बार डॉट पीछे की तरफ, यूटिल्स फॉरवर्ड स्लैश टोकन एक्सपायर।
कहीं और पर है, आपको चेक करना होगा, यहाँ पर फिलहाल अब नहीं दिख रहा है, तो इसे बंद करते हैं, लॉगिन वाले में चलते हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद हो गया, ये हो गया। लॉगिन वाले में जो आपका है यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग, लॉगिन व्यू में कंटेनर में आपको जाना होगा, यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी एक्सियोस का यूज नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपना जो ऑथ एक्शंस था वहां पर हम लोगों ने API कॉल किया था, तो उसका तो सेटअप हम लोगों ने कर दिया, तो उसको बंद कर दीजिए, लॉगिन व्यू को बंद कर दीजिए। माय टीम हो गया, न्यू टीम में देखिए, न्यू टीम कंटेनर कहीं पे लगा हुआ है, एक्सियोस का कॉल नहीं लगा हुआ, एजैक्स कॉल, इसे बंद करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रजिस्टर में देखिए, क्या कहीं पर लगा है आपने एक्सियोस का कॉल, तो यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसे भी बंद कर देते हैं। रिडक्स वाला जो हम लोग का हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया, तो हम लोग इसे जो है क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और एक बार जरा पेज पर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो सारी चीज़ें काम कर रही है। अब हम लोग यहाँ पर लॉग इन करते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने किया, 1 2 3 4 5 6 मैंने लॉग इन किया। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और देखिएगा एक मिनट के अंदर जो है मैं जो है एग्जिट कर जाऊँगा तुरंत, एक मिनट के अंदर। तो ये करते हैं, सब सही चल रहा है, ये मैंने किया ज्वाइन किया, ये मैंने मैसेज लिखा हेलो देयर, सेंड किया, सेंड भी हो रहा है, सही है। यहाँ पे चलते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैंने कहा टोकन एक्सपायर चेकअप, सेंड पे क्लिक किया, सेंड हो रहा है, ये चल रहा है, टोकन अभी बाकी है, ज्वाइन नाउ पे करेंगे, ये सही है, हेलो 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 मैंने लिखा, इस पे क्लिक करेंगे, ये भी देखिए सही चल रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एक मिनट मेरा पूरा हो गया, और एक मिनट पूरा होते ही मैं जो है लॉग इन पेज पर आ गया, मुझे रिडायरेक्ट कर देगा, मैं लॉग आउट हो गया। तो ये भी हो गया। अब अगर आप अपने वेब ब्राउजर पे CTRL Shift K अगर आप दबाएंगे तो यहाँ देखेंगे कोई भी एरर नहीं होगा। स्टोरेज पे अगर आप जाएंगे, लोकल स्टोरेज पे जाएंगे, तो आपका लोकल स्टोरेज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टोकन एक्सपायरेशन को कैसे हैंडल करना है वो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अपने बैकएंड वाले कोड पे जाएंगे, और यहाँ पे वापस इसको बढ़ाकर जो हम लोग 1 घंटे से बढ़ाकर ज़्यादा कर देते हैं। मैंने जो इस बार क्या किया, मैंने कहा कि मुझे 3 घंटे के लिए टोकन को एक्सपायर नहीं करना है। तो 3 घंटे के लिए आपको क्या करना होगा, 3 करना है, इंटू करना है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो कितना हो गया ये, तो ये नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है 3 घंटे के लिए 10,800, इतने सेकंड हो गए, तो अब जो 3 घंटे के लिए आपका टोकन जो है वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर एक और जो है कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रेश ऑथ टोकन, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर नहीं बताया अपने इस प्रोजेक्ट में, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब आप हैकर तो हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब सबसे अच्छा यही होगा कि जो टोकन एक्सपायर हो रहा है उसको जो है आप बड़ा जो वो है टाइम का रख दीजिएगा, 5 घंटे का, 6 घंटे का, तो कोई भी लॉग आउट लॉग इन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जब आप करेंगे तब आपको जो ये रिफ्रेश ऑथ टोकन वाला कॉन्सेप्ट ये आपको लगाना होगा, अभी के लिए हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बाकी टोकन एक्सपायर होने पर जो लॉग आउट करने का काम था वो तो मैंने कर ही दिया, अब कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। तो इस कोड को सेव कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि टोकन एक्सपायर, मैंने कहा एक्सपायर टाइम अपडेट, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे टिक मार्क पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, गिटहब पे मेरा सारा कोड जो है पहुँच जाएगा, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पहुँच गया मेरा गिटहब पे कोड। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने फ्रंट एंड वाले कोड में जाएंगे, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए, यहाँ पर जाना है, प्लस पर क्लिक करना है, मैंने यहाँ पर कहा टोकन एक्सपायर सेटअप, ये यहाँ पर टिक मार्क पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस पर आएंगे और पुल पुश पर आएंगे, और जो है यहाँ पर पुश टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये मेरा काम हो गया। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।